हे आई हेलो, दिस इज़ अपना बुक। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपलोड अ पोस्ट और फोटो फ्रॉम योर डेस्कटॉप और लैपटॉप टू द इंस्टाग्राम। यूजुअली इंस्टाग्राम में काफ़ी दिक्कत आती है कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप से अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो कोई पोस्ट आप नहीं कर पाते। मोबाइल में तो खैर ही ऑप्शन दिया गया है। हम क्रोम ब्राउज़र अभी यहाँ पर खोल लेते हैं, गूगल सर्च में इंस्टाग्राम लिखेंगे, इंस्टाग्राम, और सॉरी यहाँ इंटरनेट ऑन करना रह गया है, इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। ये रहा अपना बुक, कनेक्ट, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेक्स्ट। ये हो रहा है कनेक्टिंग, यहाँ पर भी प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगी, हो गई है। जैसे ये कनेक्ट हो जाता है तो लॉगिन तो हमने ऑलरेडी नहीं रखी, चलो क्लिक कर लेते हैं इंस्टाग्राम। यहाँ लॉगिन हो रखी है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी आपको वो वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैक्सिमाइज कर लिया हमने। यहाँ पर खोजे हैं मीन सर्च, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पोस्ट आपको दिख जाएंगी जो बाकी लोगों ने कर रखी है। इंस्टाग्राम का नाम है, लोगो है, फिर से सर्च है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल, यहाँ कुछ मेरे ख्याल से हिंदी हो गया, इसको हम ऑटो ट्रांसलेट को कैंसिल कर लेते हैं। ये यहाँ पर भी नहीं, चलो कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसमें सेटिंग चेंज हो गई है। अब बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में क्या मिल रहा है। ये रहा अपना बुक, ये किसी ने पोस्ट करी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो स्टोरियाँ थी वो यहाँ पर हैं, अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लाइक कर सकते हैं किसी पुरानी पोस्ट को, या फिर कमेंट लिखकर यहाँ पर आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो स्टोरी का हम पहले बात कर चुके हैं। उसके अलावा नीचे सजेशन यहाँ पर आपको दिए गए कि किसी और को अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे पोस्ट को लाइक किया वो यहाँ पर आ रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से सजेशन यहाँ पर दिखाई दिए जाएंगे। मीन्स इंस्टाग्राम आपको रिकमेंड करेगा कि इन लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन ये अभी खुलने में ही है तो उतना टाइम कंसिडर करते हैं हम। ये देखिए प्रोसीजर हो गई प्रोफाइल की, हमने प्रोफाइल खोल लिए। प्रोफाइल में सेटिंग है, पोस्ट है, फॉलो, देन मैं कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मेरी स्टोरीज, हाइलाइट्स, देन पोस्ट, इसके अलावा आईजीटीवी या फिर कोई अगर सेव की हुई पोस्ट है, फिर टैग की हुई पोस्ट है वो, तो ये कुछ पोस्ट यहाँ पर मेरी आपको दिखाई देंगी। अभी इसको स्क्रॉल कर लिया हमने नीचे ऊपर, फिर से आ गए हम टॉप ऑफ द प्रोफाइल। यहाँ पर एज सच कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम कोई पोस्ट यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो अब क्या करें, अभी बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में। अब हमको करना यहाँ पर यही है कि जो हमारा क्रोम ब्राउज़र अपर साइड में कॉर्नर में जो तीन डॉट है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगे, इसमें से हमको यहाँ पर मोर टूल पर क्लिक करना है, सब ऑप्शन और खुल कर आए। इसमें से एकदम नीचे हमको डेवलपर टूल पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो अलग अलग विंडो खुलेंगी, पहले वाले में जो राइट साइड में है उसमें कोडिंग है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो इंस्टाग्राम का जो हमारा विंडो था वो अभी श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोडिंग का जो मतलब यहाँ पर चेंज हुआ उसके चलते ये कहीं पर भी सिलेक्ट हो रहा है। थोड़ा इंटरनेट का पोर कनेक्टिविटी की वजह से भी प्रोसेस फास्ट नहीं हो पाती है, लेकिन इट विल टुक नॉट मोर देन 2 मिनट। यहाँ पे हमने कंसोल पर क्लिक कराए, इधर यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव क्लिक लिख कर आएगा, लेकिन हमने इससे पहले एक दो बार इसका डेमो कर रखा है इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हैंडसेट आया। यहाँ पर डबल क्लिक आपने किया, कंसोल आपका हाईलाइट मीन्स वहाँ पर क्लिक हो रखा है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते तो 80% इसको आप 90-100 या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर ले, जितना आपको चाहिए ये इंस्टाग्राम का विंडो उतने साइज़ का यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, ऐटो एडजस्ट यहाँ पर हमने क्लिक कर रखा है। रिस्पॉन्सिव की जगह पर हम जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग हैंडसेट है, नोट 3, नोट 2,
गैलेक्सी S5, देन गैलेक्सी, देन पिक्सल फ़ोन, आईफोन, काफ़ी सारे। और चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं अपना, अगर हैंडसेट इस लिस्ट में आपका ना हो तो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गैलेक्सी नोट 3 है उसी पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर एक बार ये रिफ्रेश पर क्लिक कर लेना पड़ेगा, जिसके चलते यहाँ का जो भी कर्सर दिख रहा है, कर्सर चेंज होकर थोड़ा सा राउंडेड, ब्लर, ब्लैक जैसा हो जाएगा। रिफ्रेश पे हमने क्लिक कर रखा है, प्रोसेस हो रही है। देखिए सब कुछ अभी सिलेक्ट हो रखा है। राइट साइड में कोडिंग था कंसोल का, वो चेंज हो चुका है। अभी ये जस्ट 2 मिनट लेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया है। नीचे वाले साइड में इसी इंस्टाग्राम के विंडो में आप देख सकते हैं, मैं कंसोल वाले पोर्शन में एक बार क्लिक कर लेता हूँ, सो दैट इधर की जो भी हाईलाइट थी वो बंद हो जाए। ये यूजुअली आधा मिनट लेता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम लोअर साइड में आपका प्रोफाइल भी आपको दिख जाएगा। ये होम बटन रहा, सर्च रहा, यहाँ से आप पोस्ट करते हैं। इसके अलावा साइड में अगर आप देखते तो आपके जिन लोगों ने पोस्ट लाइक कर रखी वो भी है और आपकी प्रोफाइल भी है। मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ, प्रोफाइल तो बाय डिफ़ॉल्ट खुल रखी है। चलो बाकी ऑप्शन भी आपको यहाँ पर खोल कर बता देते हैं। इट इज़ एज़ गुड एज़ कि आपका मोबाइल आपने डेस्कटॉप में खोला। जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक किया वो यहाँ पर दिख रहा है। ये रही हमारी पोस्ट जिसके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा, फोल्डर, जो भी आपका डेस्कटॉप लैपटॉप का फोल्डर है। तो मैं ऑलरेडी कुछ पोस्ट डाल चुका हूँ, लेकिन अभी आपको डेमो के लिए खोल के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सीकर्स का एक बैनर था हमारा, वही हम यहाँ पर ले लेते, इसको एडजस्ट कर लेते। ये हो गया फिट। इसके बाद यहाँ पर उसको अगर आपको फ़िल्टर लगाना है तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगा कर आप अच्छा सा एडिट कर कर अपने फ़ोटो को अलग अलग कलर के साथ यहाँ पर टेस्ट कर ले, उसके बाद आप अपलोड करें। ये मैंने कुछ कलर यहाँ पर ट्राई करे, ये थोड़ा वाला ठीक लग रहा है। इसको भी हम संपादित करते हैं, मीन्स एडिट कर लेते हैं कुछ इसमें आपको कराना है तो, हैशटैग एंड टैग एंड ऑल, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर विवरण जो लिखना है, मीन्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप ज़रूर हैशटैग लिखें। अब हम हैशटैग लिखते हैं अक्षय कुमार, AKASHAYKUMAR। देखिए अक्षय कुमार पर काफ़ी सारे यहाँ पर हैशटैग यूज़ किए गए हैं, क्योंकि कल उनका बर्थडे था। तो हम यहाँ पर मोटा मोटा कंसिडर कर लेते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 10 अच्छे वाले टैग यूज़ करने हैं, 10 मीडियम वाले और 10 कतई एकदम बेसिक वाले टैग आपको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोकेशन भी यहाँ पर डाल सकते हैं और टैग जिन लोगों को करना है वो आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं। जो आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं इंस्टाग्राम का वही है, बस यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है। अपलोड पर हमने क्लिक कर दिया, प्रोसेस हो रहा है, विद इन हाफ एन सेकेंड ये अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोड हो चुका है। एक बार मैं आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल में जाकर बता देता हूँ, जो भी हमें अभी सीकर्स का फ़ोटो अपलोड किया वो अपलोड हुआ या नहीं, ये सब हम आपको हमारे लैपटॉप स्क्रीन से बता रहे हैं। ये देखिए सीकर्स का जो भी येलो कलर का हमने बैनर अपलोड किया था वही यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, प्रोसेस होगी। देखिए सीकर्स, बस आप ध्यान रखिए कि आपको टैग करना है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो बस हमने डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पर डाला था, तो इसको यहाँ से हमने भी हटा दिया है। आप चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन हमेशा टैग और हैशटैग का यूज़ ज़रूर करें। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हैं तो ये थी हमारी पूरी प्रोफाइल और सब कुछ, अपना बुक। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और ये था आज का वीडियो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप चाहें तो ये जो विंडो भी खुल कर आई इंस्टाग्राम की, इसी विंडो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हम क्लोज़ जो राइट साइड में विंडो है यहाँ पर क्लोज करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। ये गूगल कंसोल और जो भी हमने एडिट किया था ये टूल्स यहाँ पर क्लोज़ हो जाएंगे। क्लोज़ होने के बाद ये विंडो काफ़ी बड़ी सी खुल जाएंगी, लेकिन आप इसके साथ फिर से वो वाला एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ से पोस्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिख रहा है, अभी मैंने सीकर्स क्लिक कर लिया तो इसका पिक्सल काफ़ी ज़्यादा फट जाएगा, आप ढंग से उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो बेटर वे जो हमने पहले प्रोसेस बताई वो ट्रिक आप इस्तेमाल करें, आजमाएं और यूज़ करें। इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।